जब जब धरती पर पाप बढ़ता है तब तब किसी न किसी रूप में भगवान विष्णु अवतार लेते हैं। हर अवतार में अलग सीख देते हैं। यह बात सच है कि भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ है, परंतु शेषनाग का साथ उनके हर अवतार में जुड़ा हुआ है। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान विष्णु शेषनाग पर ही क्यों सोते हैं? और क्या सच में पृथ्वी शेषनाग के फन पर टिकी है? आज हम आपको इससे जुड़े कई अनसुने रहस्य के बारे में बताएंगे। भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग यानी सर्प पर शयन करते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु जगत का पालन करने वाले देवता हैं। भगवान विष्णु उपयुक्त समय पर मानव जाति का मार्गदर्शन करते हैं। शास्त्रों में भगवान विष्णु का स्वरूप सात्विक यानी शांत आनंदमयी तथा कोमल बताया गया है। वहीं दूसरी ओर भगवान विष्णु के भयानक तथा कल स्वरूप शेषनाग पर आनंद मुद्रा में शयन करते हुए भी दर्शन किए जा सकते हैं। भगवान विष्णु के इसी स्वरूप के लिए शास्त्रों में लिखा गया है, शांताकार भुजगशयन यानी शांत स्वरूप तथा भुजंग यानी शेषनाग पर शयन करने वाले देवता भगवान विष्णु। भगवान विष्णु के इस अनूठे स्वरूप पर गौर करें तो यह प्रश्न अथवा तर्क भी मन में आता है कि आखिर काल के साए में रहकर भी क्या कोई बिना किसी बेचैनी के शयन कर सकता है। हिंदू धर्म के अनुसार शेषनाग भगवान विष्णु की ऊर्जा का प्रतीक है जिस पर वे आराम करते हैं। आप सभी को यह तो पता ही होगा कि जब बालकृष्ण को वासुदेव यमुना नदी पार कर गोकुल के नंदबन पहुंचा रहे थे तब शेषनाग ने ही अपने फन से बारिश के पानी को रोककर उनकी रक्षा की थी। ऐसा माना जाता है कि शेषनाग भगवान विष्णु के रक्षक के तौर पर काम करते हैं, इसलिए उन्हें सांपों के बिस्तर पर लेटा हुआ दिखाया जाता है।